करेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी तरफ से इस ईद पे अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये ईद जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के लिए अमन अमान लेके आ जाए। और खासकर मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो अल्लाह ताला की बारिगाह में दुआ करें और अल्लाह ताला की बारिगाह में दुआ करें कि इस जम्मू कश्मीर में अमन दोबारा से हो। और जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है इस पे गौर खोज करें। खासकर इस ईद का मकसद है कि जो हमने माह रमज़ान में रोज़े रखे, ये रोज़े हमें दर्ज देती है कि जो एक गरीब भूख की हालत में अपने आप को महसूस करता है, रोज़े हमें ये सिखाती है कि इसलिए मुसलमानों पे ये आयद बनता है कि आज अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, यतीमों और मिस्कीनों का ख्याल रखें, जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आखिर पर मैं अपनी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ। ज़्यादा सादगी से ही ईद निभाए, क्योंकि फजूल खर्ची शैतान का काम होता है। अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखें। बाकी बस मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।